लाखों लोगों की जान लेने वाली और दुनिया के हर कोने में तबाही मचाने वाली कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसार रही है। इस खतरनाक वायरस का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कोरोना के मामले दक्षिण पूर्व एशिया में फिर से बढ़ने लगे हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई सरकारों ने मास्क और दूसरे नियमों को कड़ी रूप से पालन करना शुरू कर दिया है। सिंगापुर में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और इन सब का जिम्मेदार कोरोना के नए वेरिएंट को माना जा रहा है। तो वहीं एशियन खबरों की रिपोर्ट्स के मुताबिक एशियन देश सिंगापुर में कोरोना के मामले बढ़कर 56,000 के पार चले गए हैं। ये आंकड़े बीते हफ्ते के हैं, उससे पिछले हफ्ते ये आंकड़ा 32,000 था। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते हफ्ते में देश में कोरोना के मामलों में 75% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 दिसंबर से रोजाना कोरोना अपडेट जारी करने का फैसला किया है। तो आइए बताते हैं कि इस जानलेवा वायरस के नए वेरिएंट का नाम क्या है और ये इंसानों की बॉडी पर कैसी रिएक्ट करता है। बता दें कि अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC के मुताबिक नया कोविड वेरिएंट JN.1 BA.2.86 का ही वंशज है। इसे पिरोला भी कहा जाता है, जो कि ओमिक्रॉन से आया है। वैज्ञानिकों की माने तो JN.1 और BA.2.86 के बीच केवल एक ही बदलाव है, वो है स्पाइक प्रोटीन में बदलाव। ये वायरस की सतह पर छोटे स्पाइक्स जैसा दिखाई देता है, इसी वजह से लोगों में वायरस का संक्रमण भी ज्यादा तेजी से होता है। तो वहीं भारत में पहली बार 13 दिसंबर को इसके बारे में पता चला था। केरल में इस नए वेरिएंट की पुष्टि भारतीय सॉर्स योवी जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने की है। तो वहीं नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA कोविड टास्क फोर्स की ओर से दी गई जानकारी में सामने आया है कि JN.1 भारत में विशेष रूप से केरल में हाल ही में COVID-19 के मामलों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण भी हो सकता है। तो वहीं हाल ही में केरल में कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आया है, जिसमें 69 वर्षीय महिला संक्रमित पाई गई। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के हल्के लक्षण भी थे और वो COVID-19 से उबर चुकी है। इससे पहले भी सिंगापुर में एक भारतीय यात्री में JN.1 का संक्रमण पता चला था। ये व्यक्ति तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले का मूल निवासी है और उसने 25 अक्टूबर को सिंगापुर की यात्रा की थी। हालांकि JN.1 के बढ़ते मामलों से पता चलता है कि ये या तो अधिक संक्रामक है या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में बेहतर है। बहरहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये वायरस कितना गंभीर है और JN.1 पिछले अन्य वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।